जिस तरह भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए काम में लगी हुई है, उसी तरह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में लगी हुई है। अब इनमें से भारत का कौन सा राज्य पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में इस समय फिलहाल दो स्टेट के बीच 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में कंपटीशन बना हुआ है और वो दो स्टेट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। महाराष्ट्र जो इस समय भारत की लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है, जिसकी जीडीपी 440 बिलियन डॉलर है, वहीं उत्तर प्रदेश 2022 में तमिलनाडु और गुजरात को बीट करके भारत की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बन गई है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 294 बिलियन डॉलर है, तीसरे पे तमिलनाडु है जिसकी जीडीपी 290 बिलियन डॉलर है और फोर्थ पे गुजरात है जिसकी जीडीपी 259 बिलियन डॉलर है। पर अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो नंबर वन पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है और फोर्थ पे गुजरात है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डाटा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है। मैंने आपको जो फिगर बताए हैं वो फिगर मार्च 2022 के हैं। आइए अब एक एक करके दोनों स्टेट की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। यूपी भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, पर डेवलपमेंट के मामले में बहुत पिछला राज्य है। पिछले 70 सालों से यूपी को करप्शन, क्राइम, कास्ट इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता था, पर पिछले 5 सालों में यूपी ने अपना पोटेंशियल पूरे देश को दिखाया है। यूपी की जीडीपी 294 बिलियन डॉलर्स है। पिछले 5 सालों में यूपी की ग्रोथ रेट एवरेज 8.4% रही है। पर कैपिटा इनकम भी यूपी में पिछले 5 सालों में डबल हुई है। 2017 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 42,000 रुपए थी, वहीं 2021 में यह बढ़के 94,000 रुपीज हो गई है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यूपी की पॉवर्टी रेट 37.79% थी, वहीं 2021 में यह घटके 26.4% पे आ गई है। जहां भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.3% है, वहीं यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2.9% है। 2019 में यूपी में 2.4 बिलियन डॉलर्स की 147 इन्वेस्टमेंट आई थी। 2021 में यूपी में 664 मिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था। 2019-20 में यूपी ने लगभग 17 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और 2020-21 में 16.39 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था। कोविड से पहले 2019 में यूपी में 535.8 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे और 4.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे। यूपी में घूमने की बहुत सी जगह है और योगी सरकार यूपी में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रही है। यूपी ने भारत को जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। उन्हीं 9 प्रधानमंत्री में से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको भारत के गोल्डन पीरियड और गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक समरी को सुन सकते हैं। इस बुक समरी में भारत कैसे वेदों और उपनिषद की भूमि से होकर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था और भारत की असली पहचान, परंपरा, सभ्यता और अखंडता क्या है, वो सब इस ऑडियो बुक में बताया गया है। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आइए अब जानते हैं कि यूपी के पास 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि यूपी भारत के 9 अदर स्टेट से 48 नेशनल हाईवे के थ्रू वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा यूपी का बॉर्डर नेपाल से भी कनेक्टेड है। पर सबसे बड़ा एडवांटेज, यूपी के पास लार्ज चीप लेबर फोर्स है, साथ में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है जहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा पिछले 5 सालों में यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक सेकंड है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुई है, जिससे यूपी में लॉजिस्टिक इंप्रूव हुई है। यूपी की रैंक लीड्स रैंकिंग 2021 में बहुत इंप्रूव हुई है। 2019 में यूपी की रैंक लीड्स में 13वीं थी, वहीं 2021 में 6th है। लीड्स रैंकिंग भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। इस रैंकिंग में देखा जाता है कि स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और कैपेसिटी कैसी है, रोड कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कितनी है, हाईवे एक्सप्रेसवे की स्पीड कितनी है, जैसे 17 पैरामीटर को देख के रैंकिंग दी जाती है। और इस मामले में यूपी ने बहुत इंप्रूवमेंट की है। 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस की थी, जिससे यूपी में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और न्यू स्टार्टअप ओपन हो सके। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट
यूपी को सेमीकंडक्टर हब बनाने में लगी हुई है, जिसके लिए वो बहुत से मेजर प्लेयर से बात कर रही है, जिससे यूपी में सेमीकंडक्टर के ऑफिसेस, आरएनडी सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल सके। इसके अलावा यूपी के पास इस समय नोएडा है, जहां पे मेजर आईटी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, कई कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं। एशिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में है। यूपी का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत काम कर रही है। यूपी में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। यूपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत में नंबर वन है। कई फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल का यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो यूपी में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए योगी सरकार न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और यूपी का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ सके। एग्रीकल्चर के अलावा योगी सरकार टेक्सटाइल सेक्टर पे भी बहुत काम कर रही है। यूपी टेक्सटाइल में बहुत अच्छा है। कई मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको बनारस, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र भारत का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल स्टेट है, पर महाराष्ट्र में आज भी 24% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के पास मुंबई और पुणे जैसी सिटीज हैं। मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। मुंबई में आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफिस मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी। पुणे को महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब कहा जाता है। इसके अलावा पुणे में आपको बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिस भी देखने को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र की जीडीपी 440 बिलियन डॉलर्स है, पर पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट 6.4% रही है। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 2,25,000 रुपए। महाराष्ट्र में पॉवर्टी 17.35% है। महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में महाराष्ट्र ने 58.41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। 2019 से मार्च 2021 तक महाराष्ट्र में 23 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया था। आइए आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के पास 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस मौजूद हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हब दोनों मौजूद है। इसके अलावा महाराष्ट्र में वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल और आईटी इंस्टीट्यूट है। भारत में सबसे बड़ी स्किल्ड एंड इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स महाराष्ट्र के पास है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास पोर्ट फैसिलिटी है। भारत का लार्जेस्ट पोर्ट JNPT पोर्ट महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास मुंबई है, जो कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया से इवॉल्व होकर ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनता जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। महाराष्ट्र अकेले इंडिया का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के थ्रू 15 सेक्टर में 25 इंडियन कंपनीज हैं। 8.3 बिलियन डॉलर्स का एमओयू साइन किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने पे भी काम कर रही है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने पे भी काम कर रही है। अगर इस समय आप दोनों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जीडीपी देखेंगे तो दोनों स्टेट की जीडीपी में लगभग 150 बिलियन डॉलर का डिफरेंस है। पर पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश ग्रो हुआ है, उसे इन दोनों राज्यों के बीच डिफरेंस बहुत जल्दी कम होता हुआ दिख रहा है। जहां महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने के लिए अपनी जीडीपी 2.5 टाइम्स इंक्रीज करनी होगी, वहीं उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने के लिए अपनी जीडीपी 3.5 टाइम इंक्रीज करनी होगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का टारगेट सेट किया है। वहीं यूपी गवर्नमेंट ने 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का टारगेट सेट किया है। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र भारत का पहला 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी वाला राज्य बन सकता है। महाराष्ट्र के पास सब कुछ है, रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, आईटी सेक्टर है, स्किल्ड लेबर फोर्स है। पर दूसरी तरफ जिस स्पीड से यूपी ग्रो हो रहा है, उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूपी के पास भी सब कुछ है, रिसोर्सेस है, लोग है, एग्रीकल्चर है, पर 70 सालों तक उसका पूरा यूटिलाइजेशन वहां की सरकार नहीं उठा सकी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यूटिलाइज अपने काम के लिए किया है। पर 2017 के बाद जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी को संभाला है, यूपी में क्राइम को कम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है, उसके चलते यूपी भी भारत का पहला 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी वाला राज्य बन सकता है। पर भारत के दूसरे राज्य तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक भी 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। वैसे आने वाले समय में मैं हर स्टेट की इकॉनमी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको किस स्टेट के बारे में पहले जानना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।